छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है और आज ब्रह्मलीन हुए जिन्होंने इस समाज के अंदर आध्यात्मिक क्रांति लाने का काम किया, सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास किए और जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया बंजारा समाज के लिए भी और देश के लिए, ऐसे संत सेवालाल जी महाराज की हम 285वीं जयंती मना रहे हैं। सेवालाल जी महाराज का जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। उस समय की कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने देश भर के अंदर, समाज के अंदर अलग अलग टांडों में जाकर और जिस तरीके से लोक सेवा का काम किया, आज हम सबको उनकी जयंती से नई प्रेरणा मिलती है, नए कार्य करने का संकल्प मिलता है। उनका जीवन हमेशा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने उस समय व्यक्तित्व विकास के साथ साथ किस तरीके से आयुर्वेद पर काम किया, जड़ी बूटियों पे काम किया, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम किया और उसके साथ साथ उन्होंने दूर दराज के बंजारे समाज के लोगों को एक साथ आध्यात्मिक, और उस समय जब भयंकर सामाजिक कुर्तियां थी उस समय उन्होंने सामाजिक कुर्तियों को ख़त्म करके और एक शिक्षित संस्कारी समाज बनाने के लिए उनका योगदान हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। मुझे याद है मैं जब भी बंजारा समाज के बीच में आता हूँ, क्योंकि मैंने उनके जीवन को देखा है, उनके रहन सहन को देखा है, उनकी जिंदगियों को देखा है और एक ऐसा समाज जिन्होंने राजाओं के राज के अंदर देश और धर्म को बचाने की लड़ाई दी, जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया, लड़ाई में हार गए तो जंगलों में चले गए, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए वो राजा के साथ खड़े रहे और राजाओं के राज के बाद आजादी की लड़ाई का अगर इतिहास आप देखें तो आजादी की लड़ाई के अंदर बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने एक लंबी लड़ाई की, लंबा संघर्ष किया, न झुके न टूटे, देश आजाद होना चाहिए इसकी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में मैं देखता हूं तो लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए एक अच्छा शासन आए, बेहतर शासन आए, उसके लिए बंजारा समाज हमेशा सक्रिय रहा। मुझे तो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मुझे जनप्रति बनाने में बंजारा समाज का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनके टांडा में जाता हूं तो मैं देखता हूं उनका जीवन संघर्ष पर जीवन है।
जो जंगल हम देख रहे हैं, जो प्रकृति को बचाने का काम हम देख रहे हैं, अगर जंगल और प्रकृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है तो बंजारा समाज का है। जो दूर दराज के जंगलों में रहे, कठिन परिश्रम, कठिन जीवन उन्होंने बिताया, लेकिन वहां की प्रकृति, वहां का सौंदर्य, वहां के जंगल को बचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पण किया। और बंजारा समाज के जीवन में अद्भुत अलग 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 दृष्टांत है, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि देश के बंजारा समाज की बोली एक है। वेशभूषा कमोक वेश एक है, खान पान एक है। ये मैंने बंजारा समाज ही एक ऐसा है जिसके अंदर ये विविधता के अंदर भी एकता देखी है। अब बंजारा समाज के अंदर एक नई युग की शुरुआत होना चाहिए। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हम बंजारा समाज के अंदर एक शिक्षित संस्कारित पीढ़ी को तैयार करने का काम करें। हमारे बीच में उमेश यादव जी बैठे हैं। अभी लोकसभा के अंदर एक प्रश्न था तो उन्होंने किस समय बंजारा समाज के जीवन दर्शन और अलग अलग उनके रिजर्वेशन के बारे में डिटेल में सवाल उठाया। प्रश्न था लेकिन सवाल लंबा कर रहे थे, मैंने कहा भी सही है प्रश्नकाल है, लेकिन उन्होंने पूरा बंजारा समाज किस तरीके से, किन कठिन परिश्रमों में से गुजरता है, कितना उनका संघर्ष है, सही बताया मुझे नायक जी ने। मेरे यहाँ के बंजारा समाज के लोग बंबई में जाकर कंबल बेचने का काम करते हैं। एक दुर्घटना हुई, मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं उनके गांव में गया, टांडे में गया बैठा, और मैंने सबको कहा कि देश में कोई भी ऐसा संकट आ जाए तो संकट के समय मैं आपके साथ खड़ा हूं, बंजारा समाज के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। आपके संघर्ष के जीवन को मैंने देखा है, एक ऐसा ईमानदार समाज जो कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है, अभाव में रहता है, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है। और इसीलिए बंजारा समाज आने वाले समय के अंदर जो मेहनत का समाज है, अगर वो आने वाली पीढ़ी को हमने शिक्षित किया, संस्कारित किया, एक व्यापक अभियान चलाया समाज में, जो भी हमारी बेटी पैदा होगी उसको हम शिक्षित करेंगे, चाहे कितना भी कठिनाई से दौर से गुजरना पड़े, तो एक संस्कारित पीढ़ी तैयार हो। और इस बदलते परिप्रेक्ष्य में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में नया बदलाव किया है, सबसे अभाव वंचित गरीब व्यक्तियों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को उन्होंने समर्पण किया है, ऐसे नेतृत्व के मार्गदर्शन में इस समाज को नए संकल्प लेने की आवश्यकता है। हमें उन सामाजिक कुर्तियों को समाप्त करना है जो अभी भी कुछ बची हुई है। संत सेवालाल जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, संत रूप सिंह जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया, लक्की शाह बंजारा ने अपना जीवन दे दिया, और आज हमारे बीच में कई संत बैठे हैं, सिद्धिलिंग का स्वामी जी महाराज, सरदार सेवालाल जी महाराज, कई संतों को भी मैं प्रणाम करता हूं जो आज समाज के अंदर
सामाजिक सांस्कृतिक पुनः जागरण के लिए लगे हुए हैं। ये समय देश में सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनः जागरण का समय है और इसीलिए मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय जी ने बंजारों की देवी पोहरा देवी में संत सेवालाल महाराज की पुण्य समाधि स्थल को आपने देखा है। 700 करोड़ की अधिक लागत से इस आध्यात्मिक और पावन भूमि पर लोग श्रद्धा से आए, देवी मां का आशीर्वाद लें, संत सेवालाल जी के जीवन से प्रेरणा लें। और इसीलिए अभी संजय राठौड़ जी के मित्र भी हैं और हमारे भी मित्र शंकर पंवार जी, उनकी जीवन पे उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब हर नौजवान को प्रेरणा देगी, किस तरीके से तेलंगाना से चले, कठिन परिस्थितियों के अंदर चाय बेची, कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारा और आज एक नया आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करने के युग को शुरुआत। तो बंजारा समाज तो ऐसे मेहनती है, सारे देश में घूमने वाला है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक और बंजारा समाज के कई सांस्कृतिक धरोहर ने देश और विदेश में भारत का नाम किया है। इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि हमारा जीवन कठिन परिश्रम से गुजरने वाला जीवन है। हमारे दादा दादी पिताजियों ने कठिन परिश्रम के जीवन को आपने देखा। अब समय आ गया है बदलाव का। शिक्षा समाज में बदलाव करती, जीवन में बदलाव करती, समाज व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हम अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े, हम हमारे नौजवानों को टेक्नोलॉजी की नई शिक्षा दें, बदलते युग के अनुसार शिक्षा दें और एक ऐसे शिक्षित समाज की ओर बढ़ें कि समाज के हजारों बच्चे जब आगे पढ़ेंगे तो पीढ़ियां आगे पढ़ेगी। मुझे याद है कि आप अभी भी जिन टांडों में रहते हैं दूर तक स्कूल नहीं होता। एक दिन मैं, उमेश जी तो मेरे इलाके में आए, मैं जब माइंस के इलाके में गया तो 25-30 महिलाएं और बच्चे छोटे आए और उन्होंने अपने जीवन को बताया कि हम इन टांडों में रहते हैं, स्कूल हमारे से 4-5 किलोमीटर दूर है, बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। मैंने उस दिन तय किया कि ऐसे टांडे में जहां भी आवश्यकता होगी वहां स्कूल खोलेंगे, इस समाज को शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके जीवन को बदलने का काम करेंगे। ये सब समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की जिम्मेदारी, उन ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है। बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन राम राम टोरी गोर बंजारा।